राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आ रहा हम सॉल्व करें। ये इंडेक्स क्वेश्चन 10.1 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इस जैसा क्वेश्चन आता है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और बच्चों, ये वाला शुरू करने से पहले हम एक बार बोलेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको ठीक ठाक अगर अच्छे से नहीं देखिएगा पूरा तो समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, और अगर आप लोग आखिर तक देखते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि पूरा देखने के बाद भी आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो क्या है, 2-क्लोरो-3-मिथाइल-पेंटेन। ठीक है, तो इस जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कहाँ से शुरू करना है, देखो मेन हाइड्रोकार्बन चेन कौन सा है, पेंटेन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है सबसे पहले पेंटेन। पेंट मतलब कितना है, 5 कार्बन बॉन्डिंग है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो क्लोरो, देखो यहाँ पे फिर नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आप देखो 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, तो 2 पोजीशन पे हम लोग क्या डाल देंगे, सीएल डाल देंगे। ठीक है, 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो ये जो 3 लोकेट है इसके साथ हम लोगों को क्या देना है, ये इसी देना है। अब जो है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट, तो इसीलिए बाद बाकी जो भी है हर एक कार्बन का हम लोग को टेट्रा कोवेलेंट से फिलअप कर लेना है। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है इसका ऑलरेडी 1 वैलेंस सेटिस्फाइड है, और कार्बन का टेट्रा करने के लिए मतलब 4 कोवेलेंसी लाने के लिए हम लोग को इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन के साथ जोड़ना पड़ेगा, इसलिए CH3 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बन का ये और ये 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, CH2 कर देंगे। लेकिन इस कार्बन को अगर थर्ड कार्बन को कंसीडर करते हैं तो देखो ये जो है 1, 2, 3 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जस्ट CH लिखेंगे। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला कार्बन है उसके लिए भी क्या होगा, CH होगा, और जो फर्स्ट कार्बन है उसके लिए क्या हो जाता है, CH3 होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग दूसरा वाला कंपाउंड को कंसिडर करते हैं। दूसरा वाला कंपाउंड जो है वो वाला क्या है, 1-क्लोरो-4-इथाइल-साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे मेन हाइड्रोकार्बन क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ऐसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन का कोई भी जगह से हम लोग नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखो अब फर्स्ट नंबर जो कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो एक नंबर कार्बन के साथ हम लोगों को क्या देना है, सीएल लिख देना है। शायद समझ गए हो, एक नंबर पोजीशन पे क्लोरो है, 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो 4 नंबर जो पोजीशन होगा यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इथाइल ग्रुप डालना है। इथाइल ग्रुप मतलब CH3CH2 और C2H5। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेकेंड वाला जो है उसका ये वाला होगा इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग थर्ड वाला को देखते हैं। थर्ड वाला कंपाउंड के लिए देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब कितना है, 7 कार्बन बॉन्डिंग होता है ना, तो इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो अब जो है इसमें कितना है, 4th नंबर पोजीशन पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आप लोग नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पे 4th जो लोकेंड है ये वाला 4th कार्बन के साथ हम लोग को टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ना है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसा होता है, ऐसा ये वाला ग्रुप को टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बोला जाता है, CH3O3C। ठीक है, इसको बोला जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो देखो हम लोग क्या करना है, 4th नंबर जो कार्बन है उसके साथ हम लोग क्या जोड़ देना है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ना है, CH3O3। और 3rd नंबर पोजीशन पे क्या है, आयोडो है। ठीक है, 3rd नंबर के साथ हम लोग क्या जोड़ना है, आई जोड़ना है। अब बाद बाकी जितना भी बैलेंसेस है हर एक कार्बन का सबको हम लोगों को
फंक्शन से सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, CH3 होगा, ऐसे ही इसका क्या होगा, CH2 होगा, इसका क्या होगा, CH2 होगा, इसका क्या होगा, देखो एक दो तीन बैलेंस सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग CH3 लिखेंगे। यहाँ पे CH होगा, ये वाला जो है देखो सिर्फ एक और दो है, इसीलिए हम लोग क्या लिखा है, इसको CH2 करना है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बैलेंस है सेटिस्फाइड है, इसीलिए इसका CH3 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बाकी दो का भी देख लेते हैं। देखो जो फोर्थ नंबर है उसमें क्या बोला है, 1.4 डाइब्रोमो ब्यूटटूइन। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना कार्बन हम लोगों को जोड़ना है, ब्यूट, ब्यूट मतलब चार, 1, 2, 3, 4। अब जो है टू पोजीशन पे हम लोगों को क्या करना है, डबल बॉन्ड दे देना, ठीक है। और 1 और 4 ये दोनों जो पोजीशन है, 1 पोजीशन और 4 पोजीशन, उसमें क्या देना है, दोनों बीआर को जोड़ना है। 1 पोजीशन पे एक बीआर जोड़ दिए, फोर्थ नंबर पोजीशन पे एक बीआर जोड़ दिए, 1, 2, 3 और 4, 1 पोजीशन पे बीआर जोड़ दिए, फोर्थ नंबर पोजीशन पे बीआर जोड़ दिए, ठीक है। अब बाकी जितना भी बैलेंसेस यहाँ पे बचेगा सबको हम लोग क्या करना है, हाइड्रोजन से फुलफिल करना है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का दो बैलेंस बच रहा था, इसलिए CH2 कर दिया। यहाँ पे जो होगा CH होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH होगा और यहाँ पे CH2 होगा। अब करने के बाद और एक बार देख लिया करो, यहाँ पे टोटल दो बैलेंसेस है और दो हाइड्रोजन है, चार बैलेंसेस हो गया कार्बन का। यहाँ पे भी देखो 2, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन का भी टेट्रा कोवेलेंस यहाँ पे फुलफिल है, यहाँ पे भी टेट्रा कोवेलेंस है, ठीक है। अब जो है हम लोग फिफ्थ वाले को देख लेते हैं। फिफ्थ जो है वो क्या है, 1-bromo-4-secondary-butyl-2-methyl-benzene। तो यहाँ पे मेन हाइड्रोकार्बन क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बेंजीन मतलब क्या होता है, ये होता है बेंजीन। बच्चों यहाँ पे एक बात तुम लोग नोट कर सकते हो कि ये जो है टेट्राब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3O3C, इसको क्या बोला जाता है, टेट्राब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। ये जो है ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन बोला गया है, इसलिए हम लोगों को अल्टरनेट डबल बॉन्ड देना है। यहाँ पे फिर देखो हम लोग वन पोजीशन पे इसको सपोज वन ले लेते हैं, इसको सेकंड कार्बन लेते हैं, इसको थर्ड कार्बन लेते हैं, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ कार्बन लेते हैं। तो वन नंबर पोजीशन के साथ क्या जुड़ा है, बीआर जुड़ा है, ठीक है। फोर नंबर पोजीशन के साथ क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बच्चों ऐसा होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। क्योंकि ये वाला सेकेंडरी कार्बन है तो ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, है ना। तो फोर्थ नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ये वाला ग्रुप जुड़ा है CH, क्या जुड़ा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो है देखो टू पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो सेकंड नंबर पोजीशन के साथ हम लोग CH3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।